चाहे घुटनों का दर्द हो या कमर का दर्द हो या आपके बैक में पेन हो रहा हो या आपको बार बार सर्दी की शिकायत हो रही हो, चाहे साइटिका हो या फिर नसों में ब्लॉकेज आ गए हो या फिर हार्ट में प्रॉब्लम हो रही हो, ये सारी बीमारियां उम्र के साथ आया करती थी। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि कम उम्र में भी ये सारी बीमारियां देखने को मिल रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक ही कारण है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा खान पान। आपने देखा होगा कि अनिश्चित खान पान की वजह से ये सारी बीमारियां आ रही हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि जो चीज़ें हम खा रहे हैं इनमें कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स की मात्रा होती है। तो आज एक ऐसी होम रेमेडी हम आपको बताने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होम रेमेडी ये होने वाली है। आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। इसमें चाहे आपके नसों में ब्लॉकेज हो, चाहे कहीं भी दर्द हो या शरीर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, ये नुस्खा उसको ठीक करने की दम रखता है। तो आइए आते हैं रेमेडी के ऊपर। ये रेमेडी मैं इसलिए और आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे घर में जब सर्दियाँ आती हैं तो ये रेमेडी बनाई जाती है और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको दी जाती है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हमने ली हैं वो आपके सामने हैं। तो सबसे पहले तो ये दिखाते हैं, ये है मूंगफली और ये है काजू, साथ में हमने बादाम लिए हैं, छुआरे लिए हैं और ये है कलौंजी और ये ताल मखाने हैं, इसमें हमने अजवाइन को लिया है और ये है गोंद जिसको कीकर का गोंद कहते हैं और ये है फ्लैक्सीड यानी कि अलसी, गुड़ तो सभी जानते हैं और ये है सफ़ेद तिल। अब इन चीज़ों में हम ये नहीं जानेंगे कि इनमें कौन कौन से विटामिन मिनरल्स हैं, आप सब जानते हो क्योंकि ये जो चीज़ें यहाँ पे हमने दिखाई हैं इनके अंदर हाई प्रोटीन, हाई विटामिन, हाई मिनरल्स और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6, अब फ्लैक्सीड के अंदर आपने जानते ही हैं। तो अगर हम इन सब के विटामिन प्रोटीन्स के बारे में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम सिर्फ रेमेडी के बारे में बात करते हैं। तो कुछ चीज़ों को फ्राई करना, हल्का सा भूनना है, जैसे मूंगफली को भी हल्का सा भूनना है, काजू को भी हल्का सा हम फ्राई करेंगे, बादाम को भी करेंगे और छुआरे को भी करेंगे जिससे कि ये इनको मिक्सी में डालकर हम पीस सकें, और अलसी को तो भूनना ही भूनना है, ताल मखाने को भी हल्का सा भूनेंगे, अजवाइन भी आपको भून के डालनी है, कीकर इसको थोड़ा सा घी डालेंगे कढ़ाई में उसको भूनेंगे तो ये एकदम फूल के बढ़िया हो जाएगा, ये कीकर का गोंद है, और फ्लैक्सीड को भी भूनना है और हमारी जो सफ़ेद वाली ये तिल है इसको भी भूनना है और गुड़ में डाल करके इसके छोटे छोटे से लड्डू बनाने हैं जो कि दूध के साथ आपको खाने हैं। तो सबसे पहले चलिए इनको किस प्रकार हम भूनते हैं वो हम दिखाते हैं आपको।
चाहे कमर में दर्द हो रहा हो, या घुटनों में दर्द है, या आपके बैक पेन है, या मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, या फिर आपका बीपी कम और ज़्यादा हो रहा है, या फिर आपको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉकेज है, आपकी नसें ब्लॉकेज हैं, तो सिर्फ हमारा एक लड्डू शाम को खाना खाने के बाद आधा एक गिलास दूध के साथ खाइएगा और ये सारी समस्याओं का हल है। बहुत ही पावरफुल, इसमें विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद हैं जो आपकी सारी बीमारियों को ठीक कर देगा। जहां आप हजारों रुपए खर्च करके उन बीमारियों से निजात नहीं पा सकते हैं, तो सिर्फ एक लड्डू ये आपकी सारी बीमारियों को ठीक करेगा। तो दोस्त, ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर बढ़िया लगी है तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों को। और जो नए भाई हैं जिन्होंने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, जिससे कि आगे आने वाले बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास सीधा पहुंच सके। मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।